लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। आज दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, रुझान आने शुरू हो गए हैं और आम आदमी पार्टी की बढ़त साफ देखी जा रही है, 50+ बढ़त है। यहां पर देखिए, ये भाजपा के दफ्तर के बाहर हम खड़ा है और भाजपा का दफ्तर, अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं भाजपा के दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर में क्या हाल। आम दिनों में यहाँ पर लोग रहते हैं और कोई ना कोई आपको नेता भी मिल जाएंगे। आज के दिन क्या हाल है, देखिए इस तरफ पूरा यहाँ पर देखिए सन्नाटा है, कुछ एक दो लोग इधर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे एक दो लोग, गाड़ी भी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। आम दिनों में आपको ये हाल नहीं देखने को मिलेगा, आम दिनों में आपको लोग बैठे हुए नज़र आ जाएंगे, गाड़ियाँ भी ज़्यादा नज़र आएगी, कोई ना कोई नेता जी भी नज़र आ ही जाएंगे, मगर आज के दिन सन्नाटा पसरा है। हम उधर चुनाव आयोग सेल है, हम उस तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कि कुछ कोई है, किन्हीं से मुलाकात हो जाए, किन्हीं से बात हो जाए। तो आइए हम आगे की तरफ चलते हैं, चुनाव आयोग सेल है भाजपा का दफ्तर में इस तरफ, और यहाँ पे आपको आम दिनों में कोई ना कोई देखने को मिलता है, मगर अभी कोई नहीं है। तो अभी हम बाहर निकलेंगे इस भाजपा के दफ्तर से, अब हम बाहर चलते हैं और देखते हैं, आम लोगों से बातें करते हैं कि उनका क्या है कहना। तो हम बाहर निकल चुके हैं और कम से कम ये सन्नाटा देखकर ये लगता है कि दिल्ली का जो रिज़ल्ट आ रहा है, भाजपा मान चुकी है कि दिल्ली अभी भी दूर है। अब दिल्ली कितनी दूर है, कुछ लोग हैं यहाँ पर, राजनीति की चर्चा जहाँ से होती है वो चाय का ही स्टॉल होता है और यहाँ भाजपा ऑफिस के बाहर ही एक चाय का स्टॉल है। हम वहाँ पर चले, आम लोगों से गपशप करेंगे कि कितना क्या कहना है उनका, क्या राय है, ये जो रिज़ल्ट आ रहा है क्या उन्हें उम्मीद थी या फिर उन्हें उम्मीद नहीं थी जिस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है। आइए, कुछ लोग पेपर पढ़ रहे हैं और चाय की चुस्की यहाँ पर चल रही है। आप बताइए, जिस तरह से दिल्ली में रिज़ल्ट आ रहा है क्या कहना है? वहाँ तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। जी 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 जी, आम आदमी उम्मीद थी आपको या उलट फिर लग रहा है? नहीं, आम आदमी पार्टी कन्फर्म है वहाँ पर। क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि काम के बिना पर वोट मिला उनको, तो बिजली पानी? अब काम के बिना पे वोट मिलता है? जी हाँ। आपको नहीं लगता कि वहाँ पर शाहीन बाग का फैक्टर काम नहीं आया? ऐसा कोई फैक्टर काम नहीं आएगा, पब्लिक को चाहिए विकास, बिजली पानी, उसमें आम आदमी पार्टी सक्सेस बढ़िया से काम किया है तो उसको वोट मिला। अगर उसी मॉडल पर बिहार में इलेक्शन हो तो जो उस तरह का काम करेगा उसको वोट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे चाचा? हम भयभीत हैं बिहार में। क्यों? इसलिए नहीं कर सकते हैं। क्यों भयभीत है? नीतीश बाबू से भयभीत नहीं है, चूंकि सुशासन का काम किए हैं, शराबबंदी किए हैं, अच्छी समाज सुधार के लिए किए हैं, लेकिन उनके अलचे बेलचे हैं, IAS लोग हैं, IAS के जो PA हैं वो लोग हैं, जो कि दिल्ली में जो रिजल्ट आ रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में जो रिजल्ट आ रहा है, दिल्ली में तो जो अच्छा किया होगा उसको आवेगा भाई, तो जनता वहाँ का फैसला करेगा, हम यहाँ के क्या निर्णय दे सकते हैं, हम बिहार की बात कर सकते हैं। जी जी हाँ, बिहार की बात कर सकते हैं। क्या कहें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी रुझान में जीतती हुई नज़र आ रही है, आगे नज़र आ रही है? जो काम अच्छा करेगा उसका वोट मिलने करेगा, जो काम करे मतलब काम पर वोट होगा। हाँ, काम पर वोट होगा। बिहार में भी काम पे वोट होगा या फिर बिहार में किस पे वोट होगा, आपको क्या लगता है? बिहार में तो काम नजर नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपने लोगों को देखा, भाजपा दफ्तर में तो सन्नाटा पसरा है, रुझान में आम आदमी पार्टी बहुत आगे निकल गई है और यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि रुझानों में आम आदमी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, मगर अभी ये रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा, मगर भाजपा के दफ्तर में सन्नाटा पसरा है। आगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे, जैसे जैसे रुझान बदलते हैं, आगे वक्त बढ़ता है, हम आपको यहाँ से अपडेट करते रहेंगे, मगर छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें लाइव सीरीज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।